क्षत्रिय जी क्षत्रिय कर्णिसेना परिवार की ओर से आज गंगापुर सिटी नए जिले बनने के बाद में गंगापुर सिटी राज सिंह शेखावत जो कर्णिसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पधारे हैं और आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्षत्रिय एकता महापर्व का आयोजन 8 अक्टूबर 2023 12:00 बजे से जयपुर राजस्थान में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण क्षत्रिय उपस्थित रहेंगे और ये जो आयोजन है उसकी व्यवस्था क्षत्रिय कमिश्नर परिवार द्वारा की जाए। 26 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं और 3 बजे तक का समय हम इन पार्टियों को और सरकार को देने जा रहे हैं। 3 बजे तक उनका प्रतिनिधिमंडल आके हमारी मांगों पर सहमति दर्ज करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है और आवश्यकता पड़ी तो हम वहाँ से विधानसभा के लिए भी पूछ करेंगे। जो ये 26 मांगे हैं वो मैं आपको संक्षिप्त पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि लोगों तक ये मांगे पहुँचे और उस दिन भरपूर संख्या में वहाँ पर क्षत्रिय और सनातनी इकट्ठे हों, क्योंकि ये जो मांगे हैं वो प्रादेशिक भी है और राष्ट्रीय भी है। ये जो मांगे हैं, पहली जो मांग है सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टी द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभा में टिकटों का वितरण करना। हमने 75 विधानसभा टिकटों की मांग की है राजस्थान के क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और 16 आयोग के गठन की हमने मांग की है। क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण करने की हमने मांग की है। महापुरुषों और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की हमने मांग की है। सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग की है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमने मांग की है। प्रदेश में गौ रक्षार्थ करे कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र मदर दर्जा दिलवाने तो उत्तराखंड के तंत्र बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द करने की हमने मांग की है। लव जिहाद, लेड जिहाद और धर्म प्रयोजन जिहाद को परिणाम देने हेतु कानून के गठन करने की हमने मांग की है। हिंदुस्तान को हिंदी और सनातन राष्ट्र घोषित करने की हमने मांग की है। समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की हमने मांग की है। मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करना ये हमने मांग की है। सभी भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता सरकारी नौकरी में प्रधानता देने की हमने मांग की। एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून के गठन की हमने मांग की है और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद करने की हमने मांग की है। साथ ही गिरफ्तारी जांच के पश्चात मांग की है। आरक्षण का कोई विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमलेयर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। मेवाड़ नरेश क्षत्रिय कुलभूषण श्री श्री महाराणा प्रताप सिंह जी की जन्म जयंती पर संपूर्ण राज्य में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की हमने मांग की है। टीएसपी में लोकतांत्रिक हक बहाल किए जाए। सरपंच प्रधान विधायक के पद सभी वर्गों के लिए किए जाए। राजस्थान में पीडब्ल्यूडी रोड पर टोल टैक्स बंद किए जाए। टीएसपी में बजरी के पट्टे या लीज जारी की जाए। राजस्थानी भाषा को प्रादेशिक भाषा की मान्यता दी जाए। पत्रकारों की मानदेय सम्मान निधि योजना को राज्य कर्मचारी तरह पेंशन योजना लागू की जाए। 1947 आजादी से 1961 के बीच रिजर्वेशन सीटों पर सामान्य वर्ग के चुनाव लड़ सकता था, यह कानून तत्कालीन सरकार द्वारा 1961 में बंद किया गया, इसे पुनः चालू लागू किए जाने की हमने मांग की। माउंट आबू के मूल निवासी लोगों की निजी संपत्ति और कंस्ट्रक्शन को लेकर सरकार द्वारा पारित किए हुए अध्यादेश की विसंगतियां तुरंत प्रभाव से दूर करने की हमने मांग की। EWS आरक्षण को पंचायती राज नगर निगम एवं नगर निकाय के चुनाव में भी लागू किए जाए व आयु सीमा छूट दी जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण के तर्ज पर EWS आरक्षण में भी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सामान्य वर्ग के वंचित लोगों को लाभान्वित किया जाए और सुजत रोड के प्रकरण संख्या 116 2022 में एक वयोवृद्ध स्वर्गीय गंगा देवी भील को निर्मम हत्या की गई, उसकी न्याय की भी हमने मांग की है। और साथ ही साथ जो आखिरी हमारी मांग है सुजानगढ़ तहसील को जिला घोषित करने की हमने मांगी। 26 सूत्री मांगों को लेके हम लोग 28 और 8 अक्टूबर को जयपुर राजस्थान विद्यानगर स्टेडियम में महापड़ाव का आयोजन करने जा रहे हैं। इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा के लिए मैदान छोड़ेंगे और आवश्यकता पड़े तो हम विधानसभा के लिए भी पूछ कर सकते हैं। तो इससे पहले थोड़ी मांग की आपने कई कलेक्टर को क्या वगैरह दिया है? ऐसा है सर, जिले स्तर पे ये सारी गतिविधियाँ हो चुकी है, ये सारी गतिविधियां हो चुकी है आईबी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हमारे जिला अध्यक्षों के माध्यम से ये चीजें हमने पहुंचा दी। अब उन्हें डिसीजन लेना है कि उस दिन वो इन मांगों पे सहमति दर्ज करते हैं या नहीं करते हैं। प्रतिनिधिमंडल आता है, मांग पे सहमति दर्ज करता है तो अच्छी बात है, नहीं आता 3 बजे तक का अधिनियम दिया है, 3 बजे के बाद हम जो वहाँ संख्या इकट्ठा है हम वहाँ से पूछ करेंगे विधानसभा की और मांगे मनवा के ही मैदान छोड़ेंगे।
और हमारी जो मांग है 75 विधानसभा सीटों की मांग है, मुख्य तो हमारी मांग 75 विधानसभा सीटें हमने क्षत्रियों के लिए मांगी है। जातीय समीकरण की आवश्यकता हमने तैयार कर दिया, गांव गांव हमारे जातीय समीकरण स्थापित कर चुके हैं, भाई कैडर चाहिए कैडर तैयार कर चुके हैं, आज तक यही तो हुआ है। जातीय समीकरण आधार में टिकटों का वितरण होता है, तो हमने जातीय समीकरण स्थापित कर दिया, तो अब हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए, हम भी जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा है सर, आचार संहिता लगे ना लगे उससे हमें कोई फर्क नहीं। हमने इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से मांग इसलिए रखी है कि जो भी पार्टी सहमत होगी इन मांगों पे, वो वोट तो चाहिए ना, वो मंच पे आके उनका प्रतिनिधि बोलेगा तो देंगे, नहीं तो उनको जवाब देना हमें आता है। हमें चमत्कार इस बार दिखाना ही, हमने क्या कहा 75 विधानसभा जहाँ हमारी भरपूर संख्या वहाँ में टिकट मांगी थी, वहाँ अपेक्षा होती है तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए जाएंगे और उनको चमत्कार दिखाया जाएगा। और भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे क्षत्रिय समाज के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ से क्षत्रिय समाज आने वाले समय में चुनाव लड़ सके। हम भी इसी पार्टी का गठन करेंगे जहाँ से क्षत्रिय समाज उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर भारतवर्ष में चुनाव लड़ सके। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य हमारा एक क्षत्रिय कन्या सेना परिवार की स्थापना एक कैसे धारण किया ये सभी वस्तु धारण किया, एक लक्ष्य लेके उतरे हैं मैदान में सर, वो लक्ष्य है संपूर्ण भारत वर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। गुजरात से शुरुआत की थी, गुजरात में भरपूर लाभ लिया साहब, भरपूर सरपंच भी है और भरपूर विधायक भी हमारे वहाँ है। फिर हमने मध्य प्रदेश में इसका उपयोग किया और वहाँ भी हमने यात्राएं की और बड़ा आयोजन किया और वहाँ सरकार में बैठे में हमारे साथ चर्चा की, उसके अब समय आया विधानसभा राजस्थान का। तो यहाँ भी क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम जानते हैं जनता भी जान चुकी है इस लोकतंत्र के राज्य राजवाड़े जो है वो है ग्राम पंचायत जिला पंचायत विधानसभा लोकसभा राज्यसभा, और वहाँ स्थापित होने के लिए हमें चुनाव लड़ना, युद्ध लड़ नहीं सकते। जो एक समय था राजतंत्र था, युद्ध लड़ते थे और सत्ता स्थापित करते थे, लेकिन अब तो आपको चुनाव लड़ना है, लड़वाना और भरपूर मात्रा में समाज के व्यक्ति को मतदान करके सत्ता में स्थापित करना है। तो ये सारी चीजें हम समाज तक पहुंचा चुके हैं और उसका लाभ हम गुजरात में ले चुके हैं, तो अब राजस्थान में हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। हम जानते हैं, हमने यही कहा कि जाटों से आप सीखो, ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं, उन्होंने एकता का लाभ लिया, गुजरात में पटेल समाज ने लाभ लिया एकता का, तो अब आपने जब कैडर तैयार किया तो आप भी इसका लाभ लो। इसीलिए हमने पार्टियों में प्रेशर बनाने के लिए और चुनाव से ठीक पहले ये पार्टियां आपकी बातें सुनती है समझती है, इसलिए हमने ये मांगे लेके हम लोग मैदान में उतरे हैं कि वोट की भाषा ही समझते हैं, वोट की चोटियों को समझते हैं नहीं वो, तो हम मैदान में उतरे हैं। यदि हमें हमारी उपेक्षा होगी और हमारे साथ अन्याय होगा तो ये आखिरी मौका दे रहे हैं, अगली बार उनको मौका देंगे नहीं। हमारा प्लेटफॉर्म होगा, हमारे कैंडिडेट होंगे और सत्ता में स्थल होंगे, चुनाव लेंगे। जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक जब भोपाल में हमने 27 अगस्त का आयोजन किया, हमने उनको जब अल्टीमेटम दिया तो पुलिस प्रशासन के लोग आए कि हमें मांग पत्र दे दो, हमने कहा नहीं देंगे, हमें मांग पत्र देने, हम तो इसमें चर्चा करने आए हैं, हमें प्रतिनिधि मंडल चाहिए सरकार का, तो वो जाके लिया कलेक्टर साहब को, फिर सर रोला के साहब मुझे दीजिए, मैं नहीं देंगे, हम किसी को देने साहब, वो हजारों लाखों की संख्या समय वेस्ट करके ऐसे नहीं आई है, इन मांगों पे सर्वे दर्ज करवाने आई है। हम आर पार की बात करते हैं सर, फौजी आदमी आपके सामने बैठा है, एक फौजी आदमी आर पार की ही बात करता है, मैंने क्या कहा दुरुद पड़े तो विधानसभा की ओर कूच करेंगे, मिंस करेंगे, फर्क नहीं पड़ता सर। जब आप मैदान में उतरते हो तो आपको आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी, आपको उसके लिए भागना है और हम उसके लिए तैयार है, सिंपल बात है सर। उस दिन फिर लास्ट में खुद मुख्यमंत्री जी के वहां से संदेश आया कि आइए हमारे साथ मीटिंग की, हमने जाके तो मीटिंग की, हमारी बात रखी, सहमति दर्ज हुई, तब मैंने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ता, तो तैयारी से तो साहब हम तो फौजी हैं प्लस एक छत्री हैं, तैयारी से ही उतरेंगे और मांगों पे सहमति दर्ज करके ही मैदान छोड़ेगा। तो इतना भी कहते हैं हमने राजनीतिक पार्टी से ये कहा है कि ये 75 विधानसभा हम नहीं मांग रहे, हम चाह रहे कि जो आपके कार्यकर्ता सालों से आपके कार्य कर रहे आप उन्हें दीजिए, हम उन्हें जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और हम हमारे खर्चे हम तन मन धन हमारा लगाएंगे, हम उनके लिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको इस बार हमारे समाज के साथ अन्याय हम कतई करने नहीं देंगे, और यदि आपने अन्याय किया तो ये आखिरी मौका होगा आपके लिए, और निर्दलीय तो खड़े किए ही जाएंगे और निर्दलीय विधानसभा जहाँ हमारे साथ अन्याय होगा, मुझे पता है 30-32 जैसे, लेकिन जब हमारी संख्या 75-80 में है तो 30-32 से संतुष्ट क्यों हो, जब हमारा कैडर तैयार तो हमें लाभ क्यों ना मिले। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रण लिया है और ये हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करके ही हम मैदान को छोड़ेंगे, बाकी मैदान छोड़ने वालों से नहीं। सर जैसे प्रत्येक जिले स्तर पर जिला इकाई का भी गठन किया होगा, उनके भी
प्रत्येक जिले स्तर पर जिला इकाई का भी गठन है, तहसील इकाई का भी गठन है, और साथ ही साथ पिछले एक महीने से मैं खुद मेरी टीम के साथ साथ प्रत्येक जिले में एक दिन में यात्रा कर रहा हूँ, एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 15-15 गांव में जा जाके हम न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और हमारे समाज को हम जागृत कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में आपको सत्ता में आने के लिए ये करना होगा। और लोग जागृत हुए, सब एक महीना लगातार हो गया हमें, आज यहाँ है, कल हम अलवर जाएंगे, कल हम दौसा भी करेंगे, फिर हम जयपुर भी, हमारा जयपुर के आसपास के गांव में करेंगे, यानी कुल मिलाकर पिछले एक महीने से हम गांव का यात्रा ही कर रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। तो हमारा जो विजन है और मिशन है वो लोगों तक पहुंच रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय सत्ता में स्थापित होगा और जनता की सेवा करेगा। ये अखंड भारत हमने तो रचा सर, अखंड भारत की रचना करने वाला कौन? क्षत्रिय। 567 द्वारा किसके? क्षत्रियों के। आज हमारी अपेक्षा, आज हमें यहाँ चले दिखा दिया इन लोगों ने। और तो छोड़ो साहब, मुझे एक चीज बताओ साहब, संविधान ने जाति संविधान के आधार पर टिकटों का बंटवारा अनुसूचित जाति जनजातियों किया, ये स्वीकार है? आज रिजर्व सीटें किस लिए? संविधान ने उनके लिए रखी, उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने जाति संविधान का हथियार लिया और उन्होंने जाति संविधान के आधार पर पार्टी को टिकट बांटी, हमें नहीं बांटी। कहते हो आपका जाति संविधान, तो जाति संविधान हमारा तैयार हो चुका है, बीते सालों इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने बड़े कार्यक्रम, तो कैसे हुए संविधान तभी तो है। तो हम तो ये कह रहे हैं जब संविधान हमारा स्थापित हो चुका है तो इस बार हमारे साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें टिकट चाहिए, टिकट लेके ही दबेंगे, नहीं देंगे तो उसे निर्दलीय लड़ाया जाएगा और सत्ता में स्थापित करने के लिए हमारा समाज उसे जिताएगा भी और आगे वाले समय में जनता की सेवा खुद करना चाहेंगे। सर जैसे गंगापुर जिले से सर मेरा जिला घोषित हुआ है, यहाँ पर जिलाध्यक्ष पद में बिल्कुल है, बिल्कुल जिलाध्यक्ष के लिए आप मेरे साथ विराजमान है, उनको मीडिया प्रभारी भी बनाया गया है जिले का, और यही नहीं हम लोग उन्होंने यहाँ पे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी दी है और आने वाले समय में हम इनके मार्गदर्शन में जिले में बहुत बड़ी एक जो हमें एक जो रणनीति बनानी, जो कैडर तैयार करना है वो गांव गांव का कैडर तैयार किया जाएगा। और आपने देखा सर इसमें आप देखिए इन मामलों में राष्ट्र की भी मांग है, हमने दो पलक प्रतिपाल का ध्यान रखा है, हम क्षत्रिय हमारा छात्र धर्म है, देश की जनता की बात करें, हमने हमारे समाज के साथ जनता की बात की, हमें पता है सत्ता वो जगह है जहाँ से युद्ध स्तर पे योजनाओं के माध्यम से हम समाज का भी भला कर सकते हैं युद्ध स्तर पे और जनता का भी कर सकते हैं। तो हमने इसलिए सत्ता चूज की कि वहां बैठ के हम लोग जिस तरह से हमने इतिहास गवाया, हमने हमारे परिवार को बलिदान करके सफल भारत की रचना की, हम चाहते हैं अब फिर हम समाज के लिए और जनता के लिए हम लोग सेवा का काम करें। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना हुई या घटना हुई इस भारत वर्ष के अंदर, आपने देखा होगा कन्हैया लाल की हत्या हुई तो लोगों ने क्षत्रियों को याद किया, यहाँ छत्री होता तो इनके रखा। दूसरी बात आप देखो, उस कन्हैयालाल के हथियारों को पकड़ने में भी सब दो छत्रियों का हाथ था, आपने देखा दोनों बच्चों ने उनको पकड़वाया। तो सर छत्री तो सदा ही जनता की सेवा के लिए तत्पर, लेकिन मौका तो मिले, लेकिन षड्यंत्र का ये भोग छत्री बनता आया है। आज मैं बताना चाहता हूँ जो रिजर्व सीटें हैं उसमें 60% रिजर्व सीटें हैं जिसमें छत्रियों की भरपूर संख्या है, सोनों की भरपूर संख्या है, उनको रिजर्व कर दिया गया। कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है वो कहीं ना षड्यंत्र का ही मंशा है कि क्षत्रिय सत्ता में न स्थापित हो जाए, इनको समझ नहीं होना, इसलिए इन लोगों ने बहुत बड़ी षड्यंत्र रचे हैं। मैं चाहता हूँ परिसीमन क्यों नहीं होता है सब, परिसीमन जब लोकल बॉडी का हो सकता है 5 साल में, तो केंद्रीय जो चुनाव है उसके परिसीमन क्यों नहीं होता, उसका 25 साल क्यों लेते हैं? तो मेरा कंसर्न है कि परिसीमन भी हर 5 साल में होना चाहिए, चाहे वो लोकतंत्र के चुनाव हो चाहे वो लोकल बॉडी के हो, परिसीमन होगा तो ही जाके सब न्याय अधिकार इस देश की जनता को मिलता है। धन्यवाद।